जब सुरक्षित नहीं है, जब सरकारी नौकरी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो क्या उम्मीद करोगे आप? तो कहीं ना कहीं ये तानाशाहीपूर्ण रवैया छत्तीसगढ़ सरकार का दिखाई दे रहा है और हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखाने के बाद जो सत्ताधारी दल है, जो लोग अपना मिसयूज करते हैं, क्या मानते हैं आप इस चीज को? कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे चौथे स्तंभ पत्रकारिता पे हमले की बात हो। हमेशा उन्होंने संविधान को परे रखते हुए गांधी नेहरू परिवार को खुश करने के हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार, अहंकारी सरकार, वागेला की उसकी सरकार, वगेल की सरकार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुश करने में लगे हैं। ये जिस तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता को दबाना और उनके घर में जाना सवेरे 5 बजे, जिस तरह न्यूज चैनलों में पता चला गार्ड का मोबाइल छीन लेना, संबंधित थाने को रिपोर्ट नहीं करना, ये तो यूपी सरकार और योगी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए और जो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उसको रोका और छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक सबक सिखाया। ये छत्तीसगढ़ की सरकार और चाहे राजस्थान की सरकार जिस अन्याय के रास्ते पर चल रही है, तो जनता सब देख रही है। आने वाले चुनावों में सबक मिलेगा। आज ये पत्रकारों तक भी सुरक्षित नहीं, तो आम व्यक्ति क्या सुरक्षित हो सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल मणि, देखा आपने जिस तरह से लोगों में इस बात का रोष है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोग जो गिरफ्तार करने पहुंचे, क्या मानते हैं आप? पुलिस जो छत्तीसगढ़ की पहुंची थी एंकर को गिरफ्तार करने, कोई नियम कायदे नहीं रखे गए, क्या मानते हैं आप? ये तो सारे नियम कायदे है ना तरबतार हो गए हैं। इस प्रकार से यदि किसी पत्रकार में घर में घुस करके और उसके साथ में इस प्रकार का अव्यवहार करना, वो बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारा एक चौथा स्तंभ है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस वैसे ख़त्म ही हो गई है। जो परिवार की पार्टी थी वो सारी ख़त्म हो रही है पूरे देश में, और तो वो एक बहुत ही अच्छा काम किया क्योंकि वहाँ पर योगी जी की सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और उसको जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया और उस पुलिस को रोका, वो बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में राजस्थान में तो पूरी जनता देख लो कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी है, हर जगह अत्याचार हो रहे हैं। चाहे उदयपुर की घटना ले लो, जगह जगह क्या एक नहीं करौली की घटना ले लो, ऐसे एक नहीं 20 प्रकार के काम कांग्रेस सरकार में हो रहे हैं। युवा नेता है रविंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? सबसे जैसे कि जोशी जी ने बताया, अननेसेसरी आप किसी को भी घर में घुसकर आप उठाते हो, आपका राज नहीं है, नोएडा है, वो योगी जी का वहाँ पे राज है। आपने गलतफहमी थी आपकी जो आपने सोचा कि हम किसी पत्रकार को उठा देंगे। कई बार मानवीय भूल होती है, कई घटनाएं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाओ, किसी को अननेसेसरी डिटेन करो, किसी की स्वतंत्रता का अधिकार को आप कभी कहीं ना कहीं हनन कर रहे हो, तो आप गलत हो। और ये पूरी जनता कहीं ना कहीं ये देख रही है, पूरा देश देख रहा है। और ये जो बघेल जी की सरकार जो ये तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, हम सब पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। पूरे परिवार को बंधक बना लिया, क्या मानते हैं आप? ये पुलिस की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? बहुत निंदनीय घटना है। संविधान से देश चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है, आप कानून फॉलो करो ना। आज छत्तीसगढ़ की पुलिस अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट है तो जाके यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको परिवार को बंधक बनाना, चौकीदार को बंधक बनाना, किस तरह की तानाशाही की ओर देश को ले जाना चाहते हैं? केवल गांधी नेहरू परिवार खुश रहे, कोरे आपकी चातुकारी तक खुश रहे, आपकी कुर्सी बची रहे, इसलिए आप किसी भी हद तक चले जाओगे, ये देश सहन नहीं करेगा। अब ये जमाना गया, आप तुष्टिकरण की राजनीति में इस देश को कंठ डूबे, इस पार्टी को ने इस तुष्टिकरण को इस देश को न जाने कहाँ खड्डे में ले जाके गिराया है। आज पत्रकारिता जो हमारा चौथा स्तंभ है, अगर वही स्वतंत्र नहीं है, वही अपनी बात नहीं रख सकता, अगर गलत कुछ बात हुई है तो आप लोग फॉलो करें, लोग किस लिए, संविधान किस लिए, कानून किस लिए, आप ये इस तरह तानाशाही थोड़ी कर सकते हैं। ये जनता देख रही है और ये कांग्रेस की दो स्टेट में सरकार बची हुई है, आम जनता में ये आक्रोश, ये दोनों सरकारें आने वाले चुनाव में जाएगी और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये चाटुकारिता अब देश ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मानते हैं आप जिस तरह की हरकत की है, एंकर को गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए? कांग्रेस एक तरफ तो बात कर रही है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उनके साथ अगर इस तरीके से सलूक किया जाता है, कांग्रेस का तो पतन हो गया। और इस तरीके से और अगर घटनाएं करेंगे तो आप समझ लो ना सूटा साहब हो गया। और ये कभी ठीक है अरुण, मैं आपके पास लौटूंगे। इस वक्त सहयोगी राजूराज ग्राउंड पर मौजूद है गाजियाबाद से, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी हम रिपोर्ट देख लेते क्या जानकारी सामने। नहीं करने दिया गया। दूसरी बात क्या है कि उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया, जबरन उसको यहां से ले जाया गया, इंटरकॉम पर सूचना नहीं दी गई, चाहे वो रोहित रंजन हो या फिर चाहे RW हो। बेहद चश्मदीद गवाह के तौर पर आप देख सकते हैं, सोसाइटी का इंचार्ज है जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और उसको यह तय करना है कि अगर कोई शख्स, बाहरी शख्स,
बिना पहचान बताए अगर सोसाइटी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी ले ले, पूरे डेटा ले ले, उसके बाद ही कंसर्न पर्सन से बात कराने के बाद ही सोसाइटी में उसकी एंट्री कराई जाए, ये नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई। आप पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम पे आते हैं। बता दूं कि जो जानकारी मिल पाई है कि छत्तीसगढ़ पुल तो सहयोगी राजू राज को आप सुन रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं और उन भी आपको